इसके लिए चाहिए बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, एक चुटकी सोडा, दो चाय के चम्मच कोकोनट पाउडर, मैदा, चीनी, अंडे, पिघला हुआ घी। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें एक ही उस बराबर की हैं, देख लें आप। पहले हम अंडे को फेंटेंगे। अब देखें हम अंडे फेंट रहे हैं और अच्छी तरीके से अंडे फेंटें। फिर हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी है, देखें पिसी हुई चीनी डाल के अच्छी तरीके से फेंटेंगे। अब हम इसमें डालेंगे घी, इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब इसके अंदर हम ये तीनों चीज़ें डाल देंगे। अब इसको फेंटेंगे अच्छी तरीके से। मिक्सर अच्छी तरह अच्छा तैयार होना चाहिए, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए बिल्कुल भी इसके अंदर। अब देखें बिल्कुल इजी रेसिपी है, बहुत आसान है। देखें इसको अच्छी तरह फेंट लिया। अब इसके अंदर मैदा डालेंगे, बिल्कुल लास्ट में मैदा डालें। ये देखिए मैदा डाल लें इसके अंदर। गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए, मैदा डाल के एक ही तरफ इसको एक ही तरफ फेंटते जाएं इसको। अब ये देखो बिल्कुल सही फेंटा गया, देखें बिल्कुल ही लिक्विड उसमें नहीं है, गुठलियाँ बिल्कुल लिक्विड तैयार है सही से। अब हमें एक पतीली में ऑयल लगाया हुआ है, बिल्कुल देखें ग्रीस किया हुआ है इसको। अब इसके अंदर ये सारा अमेजा डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे तवे पे। तवा हमने पहले से गर्म रखा हुआ है इसको। अब इसके आँच आप देखें कितनी रखनी है, देखें ये आँच इसकी इतनी स्लो रखनी है और इसको इसके ऊपर रख देना है और इसको ढक देना है इसके ऊपर ढक्कन ज़रा। ये ढक दिया है, अब इसके ऊपर एक वज़न रख दें और कम से कम आधे घंटे बाद ये केक तैयार हो जाएगा। देखें ये तैयार हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे, देखें ये बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे। ये इसको इस तरह करके निकालेंगे, आप देखें। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, बहुत आसान रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करें आप, तो बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएगा, बिल्कुल आराम से ये निकालें। ये देखिए निकल गया आराम से, बिल्कुल का केक तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट केक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।